अर्बन नक्सल अर्नब गोस्वामी। सीरियसली जब मुझे ये कोई अर्बन बोलता है ना, मुझे अर्नब सुनाई देता है। लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं, मतलब नेशन वांट्स टू नो पहले कहीं और पूछ रहे थे, अब कहीं और पूछ रहे हैं। तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का। हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो, बोला हाँ, तो पीछे से जाकर के जो धप्पा बोल देते हैं ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक है। कि आप जितना भी नफरत का नशा चढ़ा लीजिए, नशा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है। अगर आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा देंगे तो इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छे नागरिक से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज से एक बेहतर देश बनेगा, और एक बेहतर देश से एक बेहतर दुनिया की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए आज पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, और उसी बर्बादी का एक नजारा आप गुलबर्गा के लोगों ने देखा। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को कुलबर्गी जी के नाम पर रखा गया है। कौन है कुलबर्गी? कुलबर्गी का एक नाम आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से सवाल पूछने के चलते कुलबर्गी की हत्या कर दी गई, किस तरीके से सवाल पूछने के चलते गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। और आज उसी यूनिवर्सिटी में सरकार से सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए वाइस चांसलर ने चापलूसी करते हुए परमिशन कैंसिल कर दिया। तो मैं वाइस चांसलर से पूछना चाहता हूं कि आपने परमिशन कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बेसिक फिजिक्स अगर पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो चीज उतनी तेजी से ऊपर उठ करके खड़ा होगा, इस बात को समझ लीजिए। आइए आइए इस मैदान में और देखिए यहां का नजारा कि कैसे हजारों विद्यार्थी, कैसे हजारों नागरिक जो अमन पसंद हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उस मैदान में डट करके खड़े हुए हैं। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है? डिजिटल इंडिया भी आपके लिए जुमला ही है क्या? अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आप फिजिकल स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन YouTube का क्या कर लीजिएगा? सैकड़ों लोग अभी Facebook पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लीजिएगा? और ये बात सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही होगी कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सरकार के सामने कैसे चापलूसी करने का काम किया है। ईमान बचा लीजिए। हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, इसलिए ईमान बचा लीजिए। ईमान इसलिए बचा लीजिए कि आपसे पहले अगर लोगों ने अपना ईमान बेचा होता, अंग्रेजों के सामने चापलूसी की होती, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा किया होता, तो आज यूनिवर्सिटी नहीं होती और आप वाइस चांसलर नहीं होते। किसी ना किसी को बोलने का खतरा उठाना पड़ता है, और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। हम बोलेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। हम ये पूछेंगे कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत क्यों बनाई जा रही है, क्यों दिन रात नफरत मोबाइल पे और टीवी पे लोगों के सामने परोसा जा रहा है, क्यों दिन रात दंगा की राजनीति की जा रही है, क्यों दिन रात मंदिर और मस्जिद किया जा रहा है। हमें किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो संविधान की उस धारणा को मानते हैं कि यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर हम मंदिर जाना चाहते हैं तो हम मंदिर जाएंगे, हम मस्जिद जाना चाहते हैं तो हम मस्जिद जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो गुरुद्वारा जाएंगे, हम चर्च जाना चाहते हैं तो चर्च जाएंगे, हम बौद्ध विहार में जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि करना चाहते हैं तो हम बुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे। और अगर मुझे ये लगता है कि कर्म ही पूजा है तो ना हम मंदिर जाएंगे, ना मस्जिद जाएंगे, ना गुरुद्वारा जाएंगे, ना बुद्ध विहार जाएंगे। ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। किसी भी इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी इजाजत है, लेकिन धर्म के आधार पर, धर्म जो आपका एक निजी मामला है,
आपका एक व्यक्तिगत मामला है, आपका एक प्राइवेट चीज है, आज उसके नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है? उसके नाम पर राजनीति इसलिए की जा रही है ताकि इस देश के नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वह इस देश में टीवी चैनलों का प्राइम टाइम नहीं बन सके। इस देश में जिस तरीके से रोज बरोज महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार और हमले हो रहे हैं वो प्राइम टाइम का न्यूज नहीं बने। यह न्यूज नहीं बने कि 2014 से पहले आप तमाम लोगों को याद होगा आपके घर के आसपास भी रिलायंस का पेट्रोल पंप खुला होगा और 2014 से पहले वो सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। जब मोदी जी आए सरकार में तो सिर्फ पेट्रोल पंप खुला ही नहीं, रिलायंस का पेट्रोल पंप चालू ही नहीं हुआ, सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम बिकने को तैयार हो गई है। इस बात को सोचिए कि जब आप के दिमाग में दंगा भरा जा रहा होता है, जब आपके दिमाग में हिंदू और मुसलमान भरा जा रहा होता है, जब आपके दिमाग में नफरत ठूसा जा रहा होता है, ठीक उसी वक्त जो आपका बुनियादी अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, इलाज पाने का अधिकार, यहां से वहां जाने का अधिकार, आत्मसम्मान से, सेल्फ रेस्पेक्ट से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार वो आपसे छीना जा रहा होता है। लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव किस नाम पे लड़ा जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के मुद्दे पे नहीं, कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। वो ये नहीं बता सकते हैं कि इकोनॉमी नीचे क्यों जा रही है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि इस देश में एक साल में 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं और 1,50,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलेगा, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, ये तमाम सवाल आज गायब कर दिए गए हैं। और उन तमाम सवालों को गुमराह करने के लिए ये जरूरी है कि हमको आपस में लड़ाया जाए। और एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर राज करने की नीति किसकी रही है? किसकी नीति रही है? अंग्रेजों की नीति रही है। बहुत सही जवाब दिया आपने। अंग्रेजों ने हमारे साथ कौन सी नीति अपनाई? डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, मंदिर मस्जिद कराओ, दंगे करवाओ, हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये कभी आजादी की मांग नहीं करेंगे। यहां से, इस मंच से हमको इस बात के लिए गर्व महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों की उस साजिश को समझा, इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को मुसलमानों के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं थी, लेकिन जब उनकी दोस्ती अशफाक से हुई तो वो दोस्ती ऐसी हुई कि राम प्रसाद बिस्मिल कब अशफाकुल्ला खान हो गए और अशफाकुल्ला खान कब राम प्रसाद बिस्मिल हो गए ये पता ही नहीं चला। एक बार अशफाकुल्ला खान ने राम प्रसाद बिस्मिल से कहा कि यार तुम तो हिंदी हो, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे यहां पुनर्जन्म की बात होती है, इसीलिए तुम कहते हो कि हे ईश्वर मुझे बार बार हिंदुस्तानी बनाकर इस धरती पर भेजो ताकि मैं बार बार इस धरती की सेवा कर सकूं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके अपने मुल्क को आजाद करा सकूं। अशफाक ने कहा कि मेरे पास मेरे धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं की गई है, इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह एक जीवन और दे दे, एक बार और हिंदुस्तान के लिए फांसी पर चढ़ने का जी चाहता है। तभी तो उन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। ये हिंदुस्तान है,
इस हिंदुस्तान की विरासत में सबकी कुर्बानियों का इतिहास है। इसकी विरासत साझी संस्कृति का है, साझी शहादत का है, और यह जो साझा विरासत है, इस साझे विरासत को आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह कोशिश हिंदुस्तान के साथ एक बार हुई और इस कोशिश में अंग्रेज कामयाब हुए, और जो उस वक्त के अवसरवादी नेता थे उनके अवसरवाद के चलते हिंदुस्तान को आपस में बांटा गया। है हिंदुस्तान के लोग, है भारत के मेरे लोग, है इंडिया के मेरे वासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को फिर से बांटने की साजिश की जा रही है। और दुख की बात यह है कि इस साजिश के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, जो लोग भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, उनको देशद्रोही कहा जाता है, और गद्दार को, कायर को आज भारत रत्न देने की बात की जा रही है। ले लो भारत रत्न, तुम्हारी सरकार है। ले लो भारत रत्न, बना लो अपने नाम पे यूनिवर्सिटी, बना लो अपने नाम पे सड़कें, लेकिन इतिहास तुमसे बार बार यही सवाल पूछेगा कि ए कायरों, जब भगत सिंह फांसी पे झूल रहे थे तो तब तुम अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, यह इतिहास बार बार तुमसे पूछेगा। इतिहास इनके पक्ष में नहीं खड़ा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि इतिहास पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी को ही बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सुबह सुबह जाकर के शाखा में प्रणाम करने वाले लोग हैं, उनको वाइस चांसलर का अच्छा अच्छा पोस्ट दे दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तबाह इसलिए किया जा रहा है कि जब इस देश का जो शोषित पीड़ित आवाम है वो इतिहास पढ़े और सवाल पूछे कि हमारा इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, तो उस सवाल को गुमराह किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भाषण दे रहे थे इसी तरह के मंच पे। मंच पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि लिंचिंग भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है। ठीक बात है, लिंचिंग अंग्रेजी का शब्द है, भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है, लेकिन ए मोहन भागवत जी, सुबह उठ करके डंडा लेकर के जो आप शाखा में ऐसे करके हाथ उठा के प्रणाम करते हैं, ये कौन सी भारतीय परंपरा में प्रणाम करने का तरीका है, ये हमको समझा दीजिए। जो आप फुल पैंट पहनते हैं, पहले हाफ पैंट पहनते थे और सेट पहनते हैं, काली टोपी लगाते हैं, वो कौन सी भारतीय परंपरा का परिधान है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया।